देखिए एक तो सुंदर पैंती एक क्लिप लगी थी क्लिप क्लिप हेयर 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 इधर ती हेयर टाइ एक अंदर क्लिप लगी थी ओ माय प्रिटी गर्ल हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह की धूप जो मेरे घर पे आती है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है। स्पेशली इस प्लांट के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। मॉर्निंग 6 to 8 o'clock अच्छे से इसको सुबह की धूप आती है। सुदीप के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी और मैं खुद के लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इस कॉफ़ी की टेस्ट उतनी ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन इसकी खुशबू ना जब मैं गर्म पानी डालती हूँ, इतनी अच्छी अरोमा आती है इस कॉफ़ी की, मतलब इसकी खुशबू से ही यू स्टार्ट फीलिंग सो एनर्जेटिक। तो आज मुझे तवा फ्राई मसाला ब्रेड ऑमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो इसीलिए ये मैं पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सुदीप के लिए, क्योंकि ही प्रेफर्स बॉयल्ड एग मोर देन ऑमलेट जब ब्रेकफास्ट की बात आती हो। तो उसके लिए सैंडविचेस बना रही हूँ विद फ्रेश क्रीम, तो उसकी ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो बेज़ल ना आजकल बहुत डेयरिंग हो गई है, अकेले ही वॉशरूम के अंदर चली जाती है। पहले मैं और सुदीप अगर घुसते थे वॉशरूम में तभी वो आती थी, नहीं तो नहीं घुसती थी। तो वॉशरूम का डोर ठीक से बंद नहीं था, तो उसने पाँव से ठेला और अभी देखो घूम रही है वॉशरूम के अंदर, और उसे मालूम भी नहीं है कि मैं उसको शूट कर रही हूँ। मुझे देखना है एक्चुअली वो क्या करती है अकेली। देखिए एक तो सुंदर पैंती क्लिप लगी थी क्लिप क्लिप हेयर 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 इधर ती हेयर टाइ एक अंदर क्लिप लगी थी ओ माय प्रिटी गर्ल। तो लास्ट वीक हम जब आइकिया गए थे ना, तो ये वाली फ्रेम मैं लेके आई थी। ये साईं बाबा की पोस्टर लगानी है मुझे इस फ्रेम में, तो आज सोच रही हूँ उसको लगा देती हूँ। तो ये वाली पोस्टर माँ और बाबा लास्ट टाइम शिरडी गए हुए थे तो वहीं से लेके आए थे, और जब सुदीप की सिस्टर इंडिया से आई तो उसके हाथों भेजा था।
तो ऑनलाइन में मैं इसके लिए फ्रेम चेक कर रही थी और साइज़ भी मैंने इस पोस्टर की लेके रखी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया। तो उस दिन जब आइकिया गई तो इस फ्रेम पे मेरी नज़र पड़ी एंड आई थॉट दिस विल बी परफेक्ट फ्रेम फॉर दिस पिक्चर, तो इसीलिए मैंने ले ली। Lost in translation, I keep on chasing who we were before. Tell me it's all right, tell me we're all right, tell me that you and I have a chance. Oh, tell me it's all right, tell me we're all right. तो ऐसा कहते हैं ना कि भगवान जी की फोटो या पोस्टर आप घर में तब तक नहीं ला सकते हो जब तक आपके घर में भगवान जी नहीं आना चाहे। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने ये फ्रेम पिकअप की आइकिया से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साइज़ का तब उतना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैंने चेक किया था ऑलमोस्ट लाइक अ वीक बैक, तब तक मैं साइज़ तो कम्प्लीटली भूल गई थी। लेकिन मुझे ये फ्रेम देख के ही लगा कि दिस विल कम्प्लीटली फिट, और अभी जब मैंने इसका मेजरमेंट लिया ना तो मतलब एकदम फिट हुआ, एक भी इंच मुझे एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस टास्क, क्योंकि मैं हर एक फ्रेम अपने घर में कमांड स्ट्रिप यूज़ करके लगाती हूँ जो कि इस वक्त मेरे पास है नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको नेल से लगाने की, अगर ये ठीक से हो गई नेल से देन इट इज़ परफेक्ट, अदरवाइज मुझे ऑनलाइन से कमांड स्ट्रिप ऑर्डर करना पड़ेगा एंड देन आई विल हैव टू फिक्स द फ्रेम। तो आफ्टरनून को मैंने चने की दाल बॉयल करके रख दी थी, तो इसी को मैं आज डिनर के लिए यूज़ करूँगी। तो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ चना का दाल, उसके साथ वेजिटेबल सौते और चिकन कबाब। तो चिकन कबाब और वेजिटेबल मैं एयर फ्राई में बनाऊँगी, तो सिर्फ चना का दाल मैं बना रही हूँ, लेकिन ये भी मैंने चना मसाला डाल के बनाया है क्योंकि ऐसे चने का दाल सुदीप उतना पसंद नहीं करता है, तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ मसाला दाल, तो राइस के साथ ही अच्छा लगेगा। और कबाब का मिक्स भी मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दी है एंड सुदीप इज ऑन हिज वे, तो वो आते ही मैं चाय बना लूंगी। तो हमारा चाय पीना हो गया और आज का डिनर तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो अभी हाँ मैं थोड़ा सा राइस अभी रेडी कर लेती हूँ, और क्योंकि बाकी की चीज़ें मैं एयर फ्राई में बनाऊँगी ना तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वेजिटेबल कट कर ली है और अभी मैं उसमें मसाला डालूंगी, और ये कबाब्स भी रेडी है और बाकी का मिक्स थोड़ा सा बच गया है जो कि मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी और नेक्स्ट टाइम यूज़ करूंगी एज अ कटलेट और समथिंग कुछ बनाने के लिए। तो
तो वेजिटेबल को मैं बहुत ही थोड़े मसाले से थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी, थोड़ा सा चिली पाउडर, सॉल्ट, सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूँगी। कबाब में ना मैंने एकदम भी ऑयल नहीं यूज़ की है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि हम ऑयल कम खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, लेकिन एयर फ्रायर में आई प्रेफर नॉट टू पुट मच ऑयल, क्योंकि ऐसे भी ये कबाब बहुत मॉइस्ट होने वाली है। तो मैं कबाब और वेजिटेबल को एक साथ एयर फ्रायर में डालूँगी, तो वेजिटेबल की जो मॉइस्चर है ना उससे ही कबाब बहुत सॉफ्ट रहेगी। এখন আমাদের ফুড বসালাম এয়ার ফ্রায়ারে, সবসময় কি তোমার ফুড রান্না হবে? আমাদেরও তো হবে না, তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে তাই না? तो चलो किचन भी क्लीन हो गई जब तक ये खाना बन रहा है। तो एयर फ्रायर में खाना बनाने का यही एक एडवांटेज है, आपकी किचन एकदम परफेक्ट रहती है, कोई भी इधर उधर चीज़ें, चीटे, तेल की चीटे कुछ भी नहीं आती है। आई दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस सो मच। करने से पहले ये वाला टाइम हम तीनों ही बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, स्पेशली बूजी जहाँ पे उसको सुदीप के साथ खेलने का सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है, और मैं बन जाती हूँ यहाँ पे कैमरामैन जो इन पलों को कैप्चर करती हूँ अपने कैमरा में। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हारा सबाई खूब 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 भालो देखो, और आज के व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू।